गाइस अभी मैं निकल गया हूँ महाबलीपुरम के लिए। आगे अपने आगे जो चल रही है जबिन भाई है, और ये जो रहते हैं महिंद्रा सिटी बोलते हैं, सो महिंद्रा ने ये पूरा एरिया डेवलप किया है। कुछ 5 villages का लैंड लेकर उन्होंने ये डेवलप किया है। काफ़ी एकदम मस्त एरिया है, और ये उस महिंद्रा सिटी के अंदर ही काफ़ी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। BMW का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, रेनॉल्ट निसान का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लस लिंकन वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग है, और कुछ कंपनीज है जो कि सब इधर ही है। भैया भी महिंद्रा में जॉब के लिए R&D डिपार्टमेंट में। तो अभी हाईवे तक से ऑफ करने के लिए आएंगे वो, फिर हाईवे से यहाँ से 30 किलोमीटर है महाबलीपुरम। तो पहले जाके महाबलीपुरम एक्सप्लोर करेंगे दोपहर तक। छोटा सा विलेज है, कुछ 3-4 स्पॉट्स है घूमने लायक, और उसके बाद में सीधा आगे जाएंगे पौंडीचेरी के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर यहाँ से लेफ्ट ले, हाँ रोड एंड हो जाना, राइट ले, राइट सीधा। तो गाइस कल जब मैं ये हाईवे पे आया रात में लगभग 7:30 के अराउंड में पहुंच गया था जबिन भाई के यहाँ पे, बट ये हाईवे पे रात में ये प्लेस 55 किलोमीटर है मरीना बीच से, और इतना ट्रैफिक था पूरा 55 किलोमीटर। सो गाइस आई एम एट शोर टेम्पल महाबलीपुरम। इससे पहले आपने जो वीडियो देखा वो जो स्टोन, बड़े बड़े स्टोन के पीस से जो स्टैचूज और वो सब चीज़ें बनाते हैं उसका था। और अभी उसके बाद में मैं आया यहाँ पे महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस, आगे जाके मैं आपको टेम्पल दिखाता हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, ये है व्यू है शोर टेम्पल से। शोर टेम्पल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है व्यू, और इधर से आगे जाके रॉक ब्रिज लगता है, और इधर वो बंदा दिख रहा है, यानी पानी में आप पता नहीं, आप सेंटर में उसको स्पॉट कर सकते हो। वो बंदा जा रहा है सर्फिंग बोर्ड लेके सर्फिंग के लिए, और इधर से भी अभी कुछ बंदे निकले थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सर्फिंग बोर्ड है उनके पास और अंदर सर्फिंग करने के लिए जा रहे। और ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड सराउंडिंग ऑफ शोर टेम्पल आप देख सकते हैं। टेम्पल का कुछ काम चल रहा है शायद, ऊपर गार्डन वगैरह बनाया हुआ है, और मस्त बढ़िया यार। क्लाइमेट इतना सही है ना, आज धूप भी नहीं तो बहुत प्लेजेंट लग रहा है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइस, ये पूरा स्टोन के अंदर कर्विंग कर करके उसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह स्टोन्स के अंदर कार्व करके बनाया पूरा। एक ही पीस स्टोन में बना ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कई जगह पे जॉइंट्स वगैरह दिख रहे हैं, और वेल मेंटेन प्लेस है भाई। इस तरफ देखते क्या है, उस तरफ का तो दिखा दिया मैं आपको गार्डन वगैरह जो था वो, इधर सैंड वगैरह बीच का सैंड वगैरह डाला है। और ये देख सकते हो आप बीच का सैंड वगैरह है। आगे में जाके बीच है, मैं दिखाता हूँ आपको। ब्यूटीफुल है टेंपल, पीछे थोड़ा काम चल रहा है टेंपल का, और आगे जाके बीच व्यू दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले आपको बीच टेंपल का लेफ्ट साइड वाला बीच वाला पार्ट दिखाया था, ये राइट साइड वाला पार्ट है, थोड़ा डर्टी है ये देख सकते हैं आप, बट ठीक है, टूरिस्ट आता है हर जगह से, उनको कुछ बोल नहीं सकते, बट फिर भी ओके है, इतना भी कुछ गंदा नहीं। अंदर बीच वाला पार्ट क्लीन है, ये साइड वाला पार्ट गंदा है। सो यही है गाइस शोर टेम्पल। अभी यहाँ से निकलते हैं और दूसरे स्पॉट पे जाते हैं। पूरा टेम्पल आपको दिखाई दिया मैं बाहर से वगैरह, उसका सराउंडिंग भी दिखा दिया, बीचेस भी दिखा दिया यहाँ का। अभी यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने टेंपल पे 40 रुपीज़ का टिकट निकाला है, और वो बंदे ने बताया कि
जितने भी स्पॉट है महाबलीपुरम में वो टिकट पे वो सारे स्पॉट हो जाएंगे। सो फिर से बार बार हर प्लेस पे टिकट निकलने की ज़रूरत नहीं, और 40 रुपीज़ काफ़ी चीप है। सो अभी चलते हैं डायरेक्ट दूसरे स्पॉट पे, मिलता हूँ मैं आपको। सो गाइस अभी शोर टेम्पल से थोड़ा ही आगे आए तो आपको ये दिखेगा 5 रथास पॉइंट जो बोलते हैं, जो कि कुछ पांडव की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। पूरा स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टोन है इधर देखो। सो गाइस यहाँ पे ऐसे इस तरह से केव्स है, आप देख सकते हैं 5 रथास। इसमें अलग अलग पेंटिंग्स और वो बनाया हुआ है पूरा, काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइस। जो नासिक में अपना पांडव लेना केव्स बोलते हैं ना, उस टाइप का ही है ये। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे ये लगा है, पॉज करके पढ़ लीजिए हिस्ट्री। पूरा स्टोन लाइक कर स्ट्रक्चर है, और ये आप देख सकते हैं लाइट हाउस, महाबलीपुरम लाइट हाउस। ह्यूमिडिटी काफ़ी है गाइस, पूरा मतलब स्वेट आउट हो चुका हूँ मैं। सो गाइस करंटली नाउ आई एम गोइंग इनटू द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, यहाँ से व्यू वो सामने बीच है श्री ईश्वर टेम्पल के पास का, उस तरफ पे टेम्पल है, ये व्यू है। सो गाइस मेरा एक मिस्टेक हो गया, मैंने जो आपको लास्ट पॉइंट बताया लाइट हाउस, वो लाइट हाउस था, 5 रथास नहीं था। 5 रथास ये पॉइंट है, देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है। 5 तरह के ऐसे छोटे टेम्पल बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 5, तो ऐसे इसको 5 रथास बोलते हैं। कुछ तो पांडव से रिलेटेड इसका हिस्ट्री आप गूगल करके देख सकते हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। छोटा सा है बस, इधर स्टार्ट होता है, इधर स्टार्ट होता है, उधर ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये है स्ट्रीट महाबलीपुरम का, ये जो दिख रहे स्ट्रक्चर्स यही जो मैं आपको वीडियो दिखाया वहाँ पे बनते हैं और इधर लेकर आते हैं, ये देख सकते हैं आप। और सबसे पहले हमने देखा शोर टेम्पल, उसके बाद में देखा लाइट हाउस, ये मैंने मिस्टेक करके आपको बोला 5 रथास है, बट ये 5 रथास नहीं है, ये लाइट हाउस है। इसके बाद जो आपने देखा वो था 5 रथास। अभी जा रहे हैं बटर बॉल की तरफ, वो बटर बॉल देखेंगे और रॉक बीच देखेंगे। तो ये दो स्पॉट हो गए, तो महाबलीपुरम का सब कुछ घूम के हो चुका है। सो गाइस दिस इज़ कृष्णास मंडपा, 5 डिफरेंट मोन्यूमेंट्स आई हैव, यू कैन सी हियर। यार मैं भी आके लोगों के साथ रह के इंग्लिश बोलना सीख गया अभी। तो काफ़ी सही स्ट्रक्चर है, 5 अलग अलग तरह के मोन्यूमेंट्स है स्टोन में कार्व किए हुए। और फाइनली पहुंच गए हैं हम कृष्णास बटर बॉल पे, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। सो फाइनली गाइस अराइव्ड एट दिस ब्यूटीफुल स्टोन। काफ़ी अमेजिंग गाइस ये स्टोन का, जो आप ये फ्रंट साइड देख रहे हो ना, ये इतना स्लिपरी है, यहाँ से जो भी चढ़ रहा है वो सटक रहा है, बट फिर भी वो स्टोन वहाँ पे टिका हुआ है कैसे पता नहीं, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो इतना बड़ा इतना यूज है, कैमरे में कुछ समझ नहीं आएगा। और ये इसका सराउंडिंग। सो गाइस अभी अपना हो चुका है महाबलीपुरम पूरा एक्सप्लोर करके। मैंने वहाँ के लोकल को भी पूछा कि और कोई स्पॉट बचा है क्या, तो बोले नहीं हो गया, 3 ही मेन स्पॉट थे। तो अपना शोर टेम्पल भी एक्सप्लोर हो गया, जिसको रॉक बीच भी बोलते हैं, उसके बाजू में जो मैं आपको वीडियो दिखाया बीच का वो, प्लस 5 रथास भी हो गया, लाइट हाउस भी हो गया,
और कृष्णास बॉल भी हो गया और कृष्णास मांडप भी हो गया। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट्स कवर हो गए महाबलीपुरम के। अभी मैं निकल रहा हूँ पॉन्डिचेरी के लिए। अभी टाइम हो रहा है 11:50 PM AM और पॉन्डिचेरी यहाँ से 96 किलोमीटर है और पूरा ECR है, ईस्टर्न कोस्टल रोड। तो जाते हैं अभी फटाफट पॉन्डिचेरी की तरफ, ट्राई करेंगे आज का स्टे ऑरोविल विलेज में करने का और फिर कल का स्टे पॉन्डिचेरी के यहाँ पे करने का। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या प्लान होता है आगे जाके। अभी थोड़ा आगे जाके ब्रेक लूँगा मैं, फोटोज़ वगैरह भी अपलोड करेंगे। तो ECR पे अच्छे व्यू मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मिलते हैं डायरेक्ट ECR पे।